जी, तो अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि डिप्लॉयमेंट का मेथड वो हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपके पास, आप इसको पहले ओपन करेंगे फोल्डर में, ठीक है, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, या अगर आप विंडोज़ पर हैं तो आप ओपन फाइल लोकेशन, मेरे ख्याल से आपके पास आ रहा होगा। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, उसके बाद ये एसेट का फोल्डर और ये इंडेक्स का फोल्डर, ठीक है, इन दोनों को आप कॉपी करेंगे। यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे पब्लिक के नाम से, और इसमें जो चीज़ें पहले, ये पहले से डिप्लॉय हुई है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पर वो वाले पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो ये पब्लिक का फोल्डर है, इसको हम पेस्ट करेंगे नेटलीफाई में, ठीक है। तो जाएंगे पहले नेटलीफाई पर, चलते हैं नेटलीफाई पर। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, तो आप लॉगिन कर लें। उसके बाद आपको साइट्स में जाना होगा, फिर उसमें सारी आपकी साइट्स होंगी जो आपने बनाई होंगी। ये आपका साइट्स, इसके बाद ये मेरी साइट है जो मैं जहाँ पर डिप्लॉय करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा डिप्लॉयज़ में, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये फोल्डर पेस्ट करना है। तो मेरे पास ये फोल्डर ये रहा, इसको यहाँ से उठाकर, यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है कि नीड टू अपडेट योर साइट, ड्रैग एंड ड्रॉप योर साइट आउटपुट फोल्डर हियर। तो यहाँ से आप ड्रैग करके इसको यहाँ पर ड्रॉप कर लें, और ये अपलोड हो रहा है, और ये आपका अपलोडिंग, इसमें आप जाएं तो आपको लॉग दिखाएगा और ये डिप्लॉय हो जाएगा अभी। तो ये डिप्लॉयमेंट चल रही है, और ये आपकी प्रोसेसिंग डन, साइट इज़ लाइव, ठीक है। आप बैक जाएंगे और ये आपकी लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं पहले, ये हमारी रिस्पॉन्सिव है फुली, और यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी डिप्लॉयमेंट भी हो गई। तो ये वीडियो यहीं तक थी, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, आपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं वो सीखा, डिप्लॉयमेंट सीखी जो कि आपने पहले भी सीखी थी, और आपको रीडिप्लॉय अगर करना हो तो वो कैसे करते हैं वो भी आपने इसमें सीख लिया। उसके अलावा मोबाइल स्क्रीन पर आपको मेन्यू कैसे बनाने हैं वो भी आपने सीख लिया, थोड़ी बहुत आपने जावास्क्रिप्ट भी सीख ली। तो इसके बाद ये जो सारी लिंक्स हैं ये आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं ये भी लिंक दे दूँगा गिटहब की, जिसमें वो सारा कोड होगा जो अगर आप रेफ़र करना चाहें कोड से तो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा उसकी रिपोजिटरीज होंगी, ठीक है। ये हमने प्रोजेक्ट वन बनाया था, और ये जो अभी जो वीडियो सीरीज़ है उसका जो लिंक है वो ये है, उसकी जो रिपोजिटरी है वो ये है, प्रोजेक्ट वन रेस्पॉन्सिव, ठीक है। इसमें भी मैं नीचे ये यहाँ पर इमेजेस ऐड कर दूँगा, ठीक है, वीडियो के बाद। तो इसमें आप जाएंगे तो आपके पास ये सारा कोड पड़ा हुआ, यहाँ पर आपको एसेट्स और कोड वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये लिंक और फिग्मा की आपको लिंक भी मैं दे दूँगा। और तो आज के लिए इतना ही, तो फिर अगर नेक्स्ट सीरीज मेरी आती है तो फिर मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट के साथ और किसी और ट्यूटोरियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।